हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त केजीएफ चैप्टर 2 के बाद एक मेगा हाई बजट फिल्म का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। ये फिल्म संजय दत्त के करियर की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का बजट 100 करोड़ के करीब का होगा। एक्शन से लबरेज ये फिल्म संजय दत्त के करियर को 4 गुना आगे की तरफ ले जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार संजय दत्त इस फिल्म में एक महाराजा की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में एक महाविशाल सेट और लार्जर देन लाइफ दुनिया दिखाने का वादा संजय दत्त की ये फिल्म करेगी। इसके साथ ही फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट फिल्म का युद्ध सीन होगा। दूसरे विश्व युद्ध पर बेस्ड होगी संजय दत्त की ये महाबजट वाली फिल्म। गुजरात में सेट इस फिल्म की कहानी होगी, जो की महाराजा दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह के जीवन पर आधारित होगी। बता दें कि इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महाराजा ने रूस से बचाए गए हजारों बच्चों को बालचंडी गुजरात में शरण दी थी। साथ ही इन सभी बच्चों के बड़े होने तक तकरीबन 9 साल तक सभी बच्चों को संभालने और उनका पूरी तरह से ध्यान भी रखा था। आगे जाकर कहानी इस तरह दिलचस्प बनती है। इसी में से एक बच्चा भविष्य में पोलैंड का PM बनता है। इसके बाद वो पोलैंड में राजा जाम साहब के नाम को अमर कर देता है। उनके नाम पर कई सड़कों और बाकी की योजनाएं बना देता है। बताया जाता है कि ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस हाई बजट फिल्म पर अधिक खुलासा करते हुए बताया गया कि संजय दत्त इस फिल्म में गुड महाराजा की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म को लेकर शूटिंग के पहले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूरी तरह से तय है कि हाई बजट फिल्म पर्दे पर नजर आएगी। बॉलीवुड के नामी फिल्म मेकर विकास वर्मा इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। इन दिनों वो इस स्क्रिप्ट को पर्दे पर लाने के लिए हर जरूरी काम पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। संजय दत्त के साथ ये फिल्म मल्टी स्टारर होगी। कई एक्टर्स इस फिल्म में नजर आएंगे। गौरतलब है कि संजय दत्त जल्दी KGF चैप्टर 2 में अधीरा की भूमिका में यश के साथ फाइट करते हुए दिखाई देंगे। KGF 2 का क्लाइमेक्स बताया जा रहा है कि संजय दत्त और यश के बीच जबरदस्त फाइट सीन्स देखने को मिलेगा। इस बार अधीरा का कब्जा KGF 2 पर यश की भूमिका में अधिक बताया जा रहा है। वेल, हमें इंतजार है दोनों ही फिल्मों का। वी नो दैट कि संजय दत्त जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, एक माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर होता है और उनके सभी कैरेक्टर्स लाजवाब होते हैं। इंतजार है फिल्म का। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।